गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन. इन द लास्ट वीडियो ऑफ वैल्यू वी हैड री चैप्टर 1 गॉड इज एवरीवेयर. टुडे वी विल रिवाइज दिस स्टोरी. व्हाट वाज द स्टोरी? सो देयर वाज अ मर्चेंट हु डिड नॉट बिलीव इन गॉड. एक मर्चेंट था जो कि भगवान पर विश्वास नहीं करता था. उसे ऐसा लगता था कि भगवान सिर्फ एक इमेजिनेशन है. गॉड इज़ ओनली एन इमेजिनेशन. पीपल उस पर इसलिए विश्वास करते हैं क्योंकि उनको उनके बारे में बताया गया है. मर्चेंट का एक बेटा था. मर्चेंट हैड अ सन. मर्चेंट नहीं चाहता था कि उसका बेटा स्कूल जाए. सो व्हाट ही डिड, ही एजुकेट हिम हिज सन एट होम ओनली. उसने अपने बेटे को घर में ही शिक्षा दी. उसने क्या किया, अपने घर के चारों तरफ बिग वॉल बना दिया और गार्डन बना दिया ताकि उसका बेटा किसी दूसरे पर्सन या अदर चिल्ड्रन के कांटेक्ट में ना आ पाए, ना तो कोई उसे भगवान के बारे में बता सके. ही टॉट हिज सन ऑल सब्जेक्ट्स डैट वेयर टॉट इन स्कूल. उसने घर पे ही अपने बेटे को वो सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जो स्कूल में पढ़ाया जाता है. इसी तरीके से करके 12 ईयर्स पास हो गए. द सन वॉज नाउ 12 ईयर्स ओल्ड. अब उसका सन जो था वो 12 ईयर्स ओल्ड हो चुका था. एक बार उसने क्या देखा, जब वो अपने गार्डन में टहल रहा था तो उसने देखा कि उसका बेटा अपने घुटनों पर बैठ करके नेचर से बात कर रहा है. वो ये कह रहा है कि ये प्रकृति कितनी सुंदर है, इस इतने खूबसूरत फूल हैं, इतने उसकी अच्छी खुशबू है, इतने सुंदर पेड़ हैं, माउंटेंस हैं, रिवर्स है, ये आखिर बनाए किसने, और जिसने भी बनाए हैं वो कितना सुंदर, खुद कितना सुंदर होगा, इंटेलिजेंट होगा. आई विश टू नो हिम, रिवेयर हिम, लव हिम एंड वर्शिप हिम. मेरा मन करता है कि मैं उसे जानूं, उसकी रिस्पेक्ट करूं, उससे प्यार करूं और उसकी पूजा करूं. आई विश टू थैंक हिम फॉर हिज वंडरफुल क्रिएशंस. मैं उसके इतने सुंदर क्रिएशंस के लिए उसे धन्यवाद कहना चाहता हूं. जब मर्चेंट ने ये सब सुना तो वह आश्चर्यचकित हो गया. बोला, अरे ये कैसे हो सकता है, मैंने तो अपने बेटे को गॉड के बारे में कभी नहीं बताया, तो वो आखिर ऐसा क्यों फील कर रहा है. उसने उससे पूछा, हु टॉट यू टू से ऑल दीज थिंग्स, ये सब तुम्हें बोलने के लिए किसने बताया. नो बडी फादर, रिप्लाइड द सन पोलाइटली. किसी ने भी नहीं, बच्चे ने बहुत शांति से जवाब दिया. बट डोंट यू थिंक डैट समवन मस्ट हैव क्रिएटेड ऑल दीज थिंग्स. द सन कंटिन्यूड, डोंट यू थिंक डैट द क्रिएटर ऑफ दीज थिंग्स मस्ट बी ग्रेट, मैजेस्टिक एंड इंटेलिजेंट. पर क्या आपको नहीं लगता कि किसने इतनी सुंदर चीज़ें बनाई हैं, और जिसने भी ये सारी चीज़ें बनाई हैं वो खुद कितना ग्रेट होगा, पावरफुल होगा, इंटेलिजेंट होगा. द मर्चेंट वॉज अपील्ड टू हियर द वर्ड्स ऑफ हिज सन. यहाँ पे अपील्ड का मतलब भी सेम है, आश्चर्य होना, वो सुनना जो हम एक्सपेक्ट नहीं करते किसी से. तो उस केस में हम वर्ड यूज़ करते हैं अपील्ड. ही नाउ रियलाइज्ड डैट गॉड इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर. तब मर्चेंट को ये महसूस हुआ कि नहीं, सच है कि गॉड हर जगह प्रेजेंट है. क्योंकि उसके इतने कोशिश के बावजूद कि उसके बेटे को गॉड के बारे में कुछ नहीं पता चले, उसके बेटे के मन में गॉड के प्रति क्या था, एक रेस्पेक्ट था, लव था, जो कि वो उसको शो करना चाहता था. द मर्चेंट सडनली अटर्ड दीज वर्ड्स इन प्रेज ऑफ गॉड. जैसे ही मर्चेंट को ये रियलाइज हुआ, अचानक से उसके मुंह से गॉड के प्रति सम्मान प्रकट हुआ, प्रेज ऑफ गॉड. दिस ब्यूटिफुल वर्ल्ड, ओ डिवाइन क्रिएटर इज योर टेम्पल. हे भगवान, ये खूबसूरत दुनिया आपका मंदिर है. एवरी मोमेंट एवरी प्लेस योर प्रेजेंस वी फील. हर समय हर जगह हम आपकी प्रेजेंस को फील करते हैं.
फॉरएवर ओपन आर द डोर्स ऑफ योर टेम्पल, हमेशा हम सब के लिए आपके दरवाजे खुले रहते हैं. द सन द मून एंड द स्टार्स सिंग दाई प्रेजेस, द पोएट्स हैव नो वर्ड्स टू डिस्क्राइब योर ग्लोरी. ये सूरज तारे चंद्रमा ये सब आपके गुणगान करते रहते हैं. और पोएट जिनको हम कवि कहते हैं, कवि के पास आपके बखान के लिए कोई भी शब्द नहीं है. वेयर आर यू लॉर्ड, आप कहाँ हैं, या यू कहो वो ये कहना चाहता है कि भगवान आप कहाँ नहीं हैं. सो चिल्ड्रेन डू यू फील एवर द प्रेजेंस ऑफ गॉड, आपने कभी खुद से इस बारे में सोचा है कि भगवान प्रेजेंट है? आपको कभी ये लगता है कि जब आप कुछ गलत करने जा रहे होते हो तो आपको अंदर से एक आवाज़ आती है, नहीं मुझे ये नहीं करना चाहिए, तो वो कौन है जो आपको ये आवाज़ देता है? वो आपका भगवान है जो आपको ये कहता है कि नहीं गलत काम मत करो, सही रास्ते पे चलो. सो चिल्ड्रेन व्हाट इज़ द मोरल ऑफ दिस स्टोरी? गॉड इज़ द क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स एंड ही इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर. ओके सो दिस वॉज योर स्टोरी. What you have to do, you have to note down all these exercises and question answers which I am sending you. Okay? So you will note down this question answer and all the exercises in your notebook. And yes, you have to read the chapter so that you can improve your pronunciation and word power.